राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। भोपाल 1 अक्टूबर 2024 हम उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में हैं। ऐसे 100 से अधिक अभ्यर्थियों को जनजातीय कार्य विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। वह सिर्फ इसीलिए कि पात्रता परीक्षा के आवेदन दिनांक 27/1/2023 को हम बीएड के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट 16/7/2019 के निर्णय तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 4/8/2022 के दिशा निर्देश के अनुसार बीएड में प्रवेशित अध्ययनरत अभ्यर्थियां पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं तथा हम सभी की व्यावसायिक योग्यता विभाग की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज अपलोड सत्यापन में पूर्व पूर्ण हो चुके थे। हाल ही में 12 एवं 13 सितंबर 2024 को कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र जारी कर 23 एवं 24 सितंबर 2024 को समक्ष सुनवाई हेतु साक्षर के साथ बुलाया था। हम सभी अभ्यर्थियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर सभी साक्षर रखे, परंतु उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा NCTE की गाइडलाइन और अन्य राज्यों के द्वारा जैसे छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिए NCTE की गाइडलाइन का पालन करते हुए भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन किए गए। उपरोक्त सभी साक्षियों तथा समिति ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम हमारे द्वारा बनाई गई पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका के नियमों का पालन करेंगे। उन नियमों के अनुसार आपकी अभ्यर्थियां मानना नहीं होगी, जबकि लोक शैक्षणिक संचालनालय तथा जनजाति कार्य विभाग ने पूर्ण में आयोजित मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में बीएड में प्रवेशित अध्ययनरत अभ्यर्थियों को 2022 चार वर्ष तक का अतिरिक्त समय देकर नियुक्ति प्रदान की गई थी, जो कि वर्तमान में विभिन्न स्कूलों में सेवारत है। उच्च पद पर बैठे अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा NCTE की गाइडलाइन को ना मानते हुए अपने नियमों की तानाशाही चला रहे हैं और हम बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि मेरिट में है। हम लोगों को अभी विभाग के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, वो इसलिए कि पात्रता परीक्षा के आवेदन दिनांक 27/1/2023 को हम बीएड के प्रथम वर्ष में थे, न कि अंतिम वर्ष में। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 16/7/2019 का और NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, उनके 4/8/2022 के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग प्रथम वर्ष में जो अध्ययनरत बीएड के अभ्यर्थी हैं वो पात्र हैं। और NCTE और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में संशोधन किया गया है 7/9/2022 को, और इसी क्रम में उत्तराखंड सचिव जो है उत्तराखंड शासन के उनके द्वारा भी संशोधन किया है 23/8/2023 को कि बीएड में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत व्यक्ति भी शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती में पात्र हैं, आवेदन भर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर पात्रता परीक्षा में चयनित होते हैं तो चयन परीक्षा में भाग लेते हुए अगर सत्यापन दिनांक विभाग की जो है उस तक अगर उनके पास बीएड डिग्री कंप्लीट है तो वो नियुक्ति भी ले सकते हैं। लेकिन विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को और NCTE की गाइडलाइन को ना मानते हुए हम लोगों को तानाशाही कर रहा है उनके नियम पुस्तिका की और हम लोगों को नियुक्ति से वंचित कर रहा है। हम सभी बेरोजगार छात्र हैं सर, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात शीर्ष तक पहुंचे, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जब बेरोजगारों को पात्र होते हुए भी डिग्री कंप्लीट होते हुए भी विभाग की शर्त के अनुसार फिर भी अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो सर बेरोजगारी कहाँ से कम होगी। हमारे देश में बात हो रही है एक देश एक चुनाव, भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, लेकिन सर छत्तीसगढ़ में जो नियम लागू है, उत्तराखंड में जो नियम लागू है वो मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। जो देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ही एक भाग था, छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है वहाँ नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक देश एक कानून की बात तो हो रही है लेकिन सर फॉलो कहाँ हो रहा है, नियम का पालन कितने लोग इस नियम के थ्रू हम 100 से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे और हमको नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से कहना है कि हम 100 अभ्यर्थी नहीं, इससे 100 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। क्या करेंगे अगर नहीं मानेंगे सर? अभी हम आपके माध्यम से हमारी बात, हमने सभी अधिकारी को ज्ञापन दिया है, प्रशासन में बैठे लोगों को, माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, माननीय जनजाति मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन देकर अवगत कराया गया है। और शिक्षा विभाग में मतलब स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अपर संचालक से लेकर सचिव आयुक्त तक भी हमने सभी ने
नहीं, तमाम जगह आपने ज्ञापन दे दिया, उसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई, तो फिर क्या करेंगे अगला? सर हम लोग अगर अभी हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए सर मजबूर है, हम आमरण अनशन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं सर कि अभी विभाग के द्वारा 12 एवं 13 सितंबर को हमको व्यक्तिगत रूप से एक पत्र जारी किया गया था और सतपुड़ा भवन उपस्थित होने को कहा गया था, तो उसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए और हमने साक्ष्य रखे कि हम इन नियमों के कारण पात्र हैं, हमको नियुक्ति दी जाए। लेकिन विभाग सर उन नियमों से दूरी बना रहा है और अपनी तानाशाही चला रहा है, बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि पिछली जो भर्ती थी, पूर्व में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 थी, उसमें 25/9/2018 को ही डिग्री कंप्लीट मांगी थी बीएड की और वही पात्र थे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन सभी मतलब 29/9/2022 तक इन्होंने नियुक्ति दी है, पिछले 4 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया। हम लोग तो सर 4-6 महीने का ही समय मांग रहे हैं और विभाग की सत्यापन दिनांक के पूर्व ही हम लोगों की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी सर हमको अपात्र घोषित करते हुए हमको बेरोजगार रख रहे हैं। सर क्या आपका नाम बता दीजिए? मैं सर लक्ष्मण सिंह हूँ, देवास से। कौन से बैच के आप लोग? सर हम 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं। हम लोग सर 4 साल का हमने बीएससी किया है, यूजी कोर्स किया है, पीजी किया है और बीएड किया है। सर आपका नाम बता दीजिए? मैं नैन्सी वर्मा, सीहोर से जी। बताइए आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कारण? बस यही कारण है कि हमें बस 2-4 महीने के पीछे हमें अपात्र कर दे रहे हैं, तो बस हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें टाइमिंग बढ़ा दें तो हमें भी नियुक्ति मिल जाए। क्या कहना सरकार से, सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं आप, अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं, हमारी मांग पूरी होना ही चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर हम भी अपने तरीके से धरना प्रदर्शन या जो भी करेंगे। बस ऐसी कोई हमारी बड़ी मांग है भी नहीं कि जो इलीगल है या कुछ भी। तमाम जगह आप लोगों ने ज्ञापन दिया? हाँ, हर जगह हमने ज्ञापन दिया है, शिक्षा विभाग ने सभी जगह दिया, मंत्रियों को अवगत कराया सभी को, पर हमारी कोई कहीं भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।